यहाँ पे खत्म किया जाएगा ट्रोए को। तो एंटिटी जिनके पास नंबर्स गेम का एडवांटेज था, अब वो एडवांटेज उनके पास जाना पड़ेगा इकुसोल को। बचे हुए दो खिलाड़ी एंटिटी के, वो भी चाहेंगे नहीं कि सामने से जो खिलाड़ी यहाँ से आगे बढ़ जाए। बढ़ेगा अच्छा चैलेंज सामने से हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओआर के मल्टीपल ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, ये ग्रेनेड थोड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। जी हाँ, स्पर्श को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। स्प्रे गॉड नाउ इज द लास्ट स्टैंडिंग, और माने तो बताए उनकी पोजीशन क्या है वो प्लेयर्स, बट निंजा जोड़ को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। टीम तमिलास का डायरेक्ट यहाँ पे स्लैम इन आता हुआ, और क्या वो जैप की बात करें, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत मुश्किल ये कह पाना कि ये चिकन डिनर खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे, उनका भी सफाया। रेमनेंट के एलिमिनेशन 12वें पायदान पे, बट दबाना नहीं चाहिए था। इधर आदित्य, क्या बात है आदित्य, उन्होंने दो प्लेयर्स को डाउन। ये भी प्रबल दावेदार आइकुसोल रहने वाले जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं। वही दूसरी तरफ ओआर के एडमिनों, इनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो सकती है टीम तमिलास के सामने। हो गई रिवील, स्प्रे किया जाएगा, डैमेज दिया जाएगा, कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जेली के ऊपर शॉट भी दिए जाएंगे, डैमेज दिया जाएगा, और इसी के प्रेवलेंट के प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है विक्स की, क्या वो सीधे आगे चलते चले जाएंगे। उनके ऊपर शॉट आया, पीछे भी खिलाड़ी मौजूद। सर्वाइवल तो करना पड़ेगा, लगातार सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, बट दूसरी तरफ गुजरात टाइगर्स के क्लच गॉड रॉनी के कंधों पे काफी ज्यादा भार, और वो ट्राई कर रहे हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से मौका बनाया, गॉबलिन है जो ओपन से आते हैं। आइकुसोल को क्लियरली देख सकते हैं, स्कल्स की लाइनअप भी है, पर क्या यहाँ पे आइकुस भारी ना पड़ जाए। प्रो की बात करें, स्किप्स को वहाँ पे डाउन करेंगे, आ ही जाएंगे काफी आसानी से। जॉनाथन नीड उन्होंने डाला है, क्या कनेक्शन मिलेगा उधर, जेली का कवर आएगा, जॉनाथन का स्प्रे यहाँ पे लाजवाब। रॉनी की बात की जाए तो हाइड्रक के व्हीकल को स्पॉट किया गया, देखा वो सिलसिला स्टार्ट होता हुआ डैमेज में, तो ये फाइट जीतना बहुत जरूरी, यहाँ पे फिनिशर्स निकालना बहुत जरूरी। आगे जंगल का भी सफाया हो चुका है, सर्कल एक बार फिर से मेहरबान ओआर के ऊपर। लेकिन एक बात रहेगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफी स्ट्रेंज से जो सर्कल है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड, ये क्या हुआ, टीम में मिस कम्युनिकेशन, वहां पे उस प्लेयर को गवाना नहीं। कार्निवल के भी दो खिलाड़ी अभी भी हार मान नहीं रहे, मल्टीपल ग्रेनेड कर रहे हैं, और ये ग्रेनेड क्या डाउन हो चुके हैं, और अब मात्र एक खिलाड़ी, चलिए उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। और टीम गॉड लाइक उनका भी सफाया, नए बहुत सारे अंक उनको चाहिए अगर क्वालिफाई करना है इस लैंड के लिए। तो अलग समाप्त किया, लेकिन उसके कुछ सेकंड्स बाद अब नुकसान भी हो रहा है। टॉप लॉक कॉम ने देखा एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस, तो ग्रेनेड काफी ऑन पॉइंट साबित हुआ है फिलहाल। टॉप लेन की बात करें तो यहाँ पे स्प्रे करते हुए ओआर का भी वो कमबैक जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कोशिशें बहुत कमाल की चल रही है सामने, और उनके चुनौती जरूर रहेगी, बट गोलियां खत्म होगी, रिलोड करने पे उनको आना पड़ेगा सामने अंदर। जो रिवाइवल की बारी थी हाइड्रा की तरफ, वो भी हो चुकी है, और अब ब्लाइंड का बचना है यहाँ से, ऑलमोस्ट ऑल कमाल का एंगल है, यहाँ पे नॉकआउट किया जा सकता है, शॉट लेंगे, बट उनके पास गन भी उतनी ज्यादा बेटरीन के साथ देखने को मिल जाएगी। और ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फाइट, एक नॉक वहाँ पे निकाला जरूर गया टेस्ट पर, और मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स पूरी तरीके से बैकफुट पर, और एंटिटी चाहती है, दे आर लुकिंग हार्ड। को पता है कि इतने करीब भी उनके खिलाड़ी आ चुके हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति रेमनेंट के लिए। और चलिए नकुल एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया, ऊपर जाना पड़ेगा वरना खत्म कर देंगे यहाँ पे प्लेयर, बड़ी गलती। एडवांटेज से डीएस के प्लेयर्स को स्पॉट करेंगे, जॉनाथन को भी वहाँ पे टेक डाउन किया गया है, ऑन कोर वो निंजा जॉट को से ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट किया गया है। आइकुसोल के वहाँ पे एस पावर एक ओपनिंग निकाली, ग्रेनेड आउट किया जाएगा, बैकअप जो की एक मच नीडेड था उसे आने में संभाला गया, और निंजा जॉट को सभी को संभालने में लग चुके हैं, चाहे वो उनकी खुद की टीम हो। उन्होंने कहा था कि वो बचे हुए दोनों मैचेस के अंदर चिकन निकालने की कोशिश करेंगे, तीन फिनिशर्स और ओआर रोकते हुए गॉड लाइक को। जेली तो यहाँ पे बात करें, उनका आना नामुमकिन हो चुका है, प्लीज उन जॉनाथन को पूरा खेल पलट गया। आदित्य वो आज बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं, जो बारी है वो शायद हमें आते हुए देखने को मिलेंगे। रिवाइवल का क्या ट्राई रहेगा, जी हाँ ट्राई करना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से अरे हील बैटल करने की आवश्यकता उनके लिए रहने वाली है। के द्वारा डायनासोर सीधा अटैक करेंगे, कल भी गाड़ी के अंदर बैठे, बट कोई फायदा मुझे लगता नहीं कि यहां पे वो एक्चुअली हुआ। चिकन डिनर भी ओआर के पास जा सकता है। जी हां, बहुत बेहतरीन बात करिए आपने, शुरुआत चिकन क्लच गॉड वहां पे आएंगे, वो गॉब्लिन को डाउन करेंगे, फिनिश भी करते हुए नजर आएंगे। कार्निवल गेमिंग उनको ये फिनिश दिख अब भी सर्वाइव करते हुए, बट क्लच गॉड जाएंगे, कोई डर नहीं है, निडर होके ये प्लेयर ऊपर गया। अभी मुश्किल है इस ब्रिज को अभी भी क्रॉस कर पाना किसी भी टीम के लिए। चलिए टीम एक की टीम भी अभी आप देखे तो तीन खिलाड़ी हैं, बट एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जाएगा, शैडो अब अच्छा डिसीजन मॉली किया गया ताकि थोड़ा लेफ्ट साइड हो। जी हाँ वो हो गए, कनेक्शन बनेगा, नॉकआउट देना चाहते हैं। जैप की बात करें वो नीचे मौजूद, अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, वो एक खिलाड़ी जो थोड़ा इंटेल दे रहा था, फिनिशेस तो स्कल चुरा के चले जाएंगे, वापस फिनिशेस का अकाल पड़ चुका है, बट डेस्ट्रो वो बचे, मेडल हार मानने को तैयार नहीं है अभी के लिए, टेबल टॉपर्स है, बहुत बेहतरीन है जॉनाथन अटैक करने की। हमें तो बट एडमिनो आप कहां जा रहे हैं, रास्ता बदला एडमिनो ने, यहां पे फंसते हुए नजर आए, नॉक होने की संभावना है क्योंकि वो चौथी बार यहाँ पे नॉक हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए स्प्रे गॉड की, कवर देने आए जरूर हैं ब्लाइंड के प्लेयर्स, फोकस प्रो को यहाँ पे डाउन किया जाएगा, ज़ैप भी डाउन, प्रो भी डाउन, आइकुसोल को गिव अप नहीं कर रहे, वो हार्ड मौजूद है, और यहाँ से अगर मान लीजिए कोई नॉक उनके ऊपर आता भी है तो इजिली वो रिवाइवल मिल सकता है। बट स्कल्स के लूसिफर उन्होंने स्पॉट किया है, पावर को टेक डाउन किया जरूर, उसको
ऐसे ही एक मुकाबले की शुरुआत उनको करनी भी थी और अब क्लच मास्टर के कंधे पे जिम्मेदारी चलती हुई डीएस चेज कर रहे हैं गॉड लाइक इट सीम्स लाइक दैट बट सोल केएस पावर थोड़ा सा बैकफुट पर अच्छे से आप देखिए कंटीन्यूअसली कवर फायर में आता हुआ देखने को मिल रहा है लेकिन डीपीएस की वो शॉट क्या कनेक्शन मिला पाए सेम है जिस तरीके से निंजा जॉट को गवाया गया सारे खिलाड़ी डीपीएस के साथ अंधाधुन कारण पर उन्होंने शिफ्ट किया डैमेज बहुत ज्यादा दिया और मूविंग व्हीकल से ट्राई को किया जाएगा निंजा जॉट के साइड से दो खिलाड़ियों को टेक डाउन किया ओआरई स्पोर्ट वो ग्रेनेड काफी क्लोज साबित हुआ है गॉड्स के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही क्योंकि अब यहाँ पे होने वाली है पूरी टीम के लिए लेकिन साथ ही फिनिश पॉइंट देखे गुजरात टाइगर भी अच्छे खासे वहाँ पे फिनिश वैसे फर्स्ट हिट बॉब किया था उन्होंने बट वो कवर में थे नहीं बट यहीं पे विक्स की अगर बात की जाए वो अटैक करते हुए ओमेगा के ऊपर स्लैम इन हाइड्रा को ऊपर करते हुए हमें देखने को मिल रहे धीरे धीरे करके दो तरफ बट के ये आगे बढ़ते शॉट को जरूर दे सकते हैं बट देखने वाली बात ये बन जाती है कि ओवर के प्रो क्या वो अलग एंगल से जाएंगे एक और बॉक्स जोनाथन के लिए 1v1 की सिचुएशन डीपीएस का एक्शन बट वो जोनाथन को ट्रैवल अब इंपॉसिबल हो चुका है ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर है और उनको वहां पे रिवाइव देने के लिए वो फिनिश करना चाहते जरूर है 5 बुलेट बची है अभी भी उनके पास रॉनी की बात करें उनके पास जाने की कोशिश कवर फायर बहुत बड़ी आ रहा है डैमेज बहुत ज्यादा है क्या ये व्हीकल बर्स्ट होगा बट डेल्टा क्या यहाँ पे शॉट लेंगे पहले खिलाड़ी को जाने दिया गया दूसरे खिलाड़ी को दबोचा जाए जाने की जरूरत रहेगी ड्रीम्स को थोड़ा करीब पहुंचे वो अपने बाकी के दो टीममेट्स में लेकिन व्हाट वो ब्रिज के ऊपर मौजूद है देखते हैं कि क्या वो नॉक निकाल पाएंगे कारण पर उन्होंने शिफ्ट किया डैमेज बहुत ज्यादा सोलो प्लेयर बचते हुए क्या वो यहां से एक चिकन निकाल पाएंगे पोजीशन उनकी रिवील्ड आने के बाद प्रॉब्लम हुआ बट ये ग्रेनेड काफी क्लोज सम की तरफ से बहुत ही ऑन पॉइंट ग्रेनेड हमें आता है थ्रू किया जाएगा मल्टीपल ग्रेनेड्स करने का वो एक होप की बात करिए ग्रेनेड और ये ग्रेनेड क्लोज हो सकता है आखिरी में प्लेयर्स ने उनको डाउन किया जाना पड़ेगा थोड़ा तक 1v1 की कॉम्पिटिशन प्ले सामने एंटिटीओ का सामना अब हाइड्रा को भी करना पड़ रहा है यहां शॉट वहां पे लिए गए सोमराज वहां पे आएंगे एक और नॉक वहां पे निकाला गया है ओमेगा वो थे जिन्होंने एक नॉक निकाला है और अब खिलाड़ियों को भी सेम जो तरीका है उसी से डाउन करने की कोशिश उनके जस्ट सामने एक खिलाड़ी बहुत मेडल के टॉप पर वो व्हीकल लेकर के सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे एजेस को स्पॉट किया गया बट पैराडॉक्स वो निकले जा रहे हैं वो नॉक खिलाड़ी सारी इंटेल दे रहा है रॉनी को कि प्लेयर मौजूद कहां पर है बॉक्स की फाइट की बट अंजाम अब नहीं देना चाहते ज्यादा प्लेयर्स निकला है बट ये स्प्रे तो देखिए साहिल का ठीक है आगे जाने की जरूरत है अपोलो की बात करें तो उनको फिनिश करना चाह रहे हैं क्लच गॉड की बात करें उनकी इनफ नहीं था कि फिनिश कर पाए बट ऊपर मैंटी चढ़े हुए उनको